बस ये टिक नहीं रहा मेरे फेस पे। मैं दिखू तो देगी, मैं नहीं पहना यार। Hi guys, this is Niharika. Welcome to my channel, Craft Fashion Food Vlogs. Today I'm going to share my experience wearing pipi kit with my best friend. Come, let's watch. This is Niharika. I'm wearing jumpsuit, pipi kit wala jumpsuit pehne ja rahi hu main. These are gloves. Ye baat to bolna padega na. And I'm going with trend. This is basically jumpsuit. इसको पहनेंगे कैसे? Go inside. Be gentle. Of course, I have to be a gentle. Yeah, I'm going to be a gentle. मेरे को एस्ट्रोनॉट होना फिर भी ना आ रहा है इसको पहन के। यार तो बड़ी गर्मी लग रहा है यार, चिपक गया पूरे शरीर में। मैं दिख रही हूँ क्या? मैं दिख रही हूँ। अच्छा, इसके साथ मुझे क्या चाहिए? ओह, पहले मास्क पहनना होगा। उसको ऐसे पहनो जो सामने जो पीछे से ऐसे टांग। हाँ, अच्छा नहीं तुम पहन रहे हो। वो सब ले लिया। नहीं उसे नहीं, उसे वो करना था मुझे। उसमें नहीं, तो छोड़ दे। ठीक है, किसी का तो नहीं पहनता है। मैं पहन यार, मैं तो ठीक है ही इसमें से कुछ नहीं। यो जन्नामा जन्नामा, कोई कहानी हो ये सुनाओ। उसके बाद याद है एस्ट्रोनॉट वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। बट आई नीड वन बॉबल। हो गया, सिलेंडर बैग हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर। नासा वाले लोग मुझे आ रही है लेने के लिए और मैं जा रही हूँ स्पेस में। बाय बाय। Niharika never goes out of fashion. It's not trend. Wearing PP kit and working, it's not easy job. मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए उस पीपी किट को पहना था और मैं बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रही थी। मेरे पूरे बॉडी में वो चिपक गया था। कहीं से भी एयर ऑक्सीजन का जगह नहीं रहता है कि हम लोग बॉडी और स्किन को एयर या ऑक्सीजन मिले। वो पीपी किट को पहनने के लिए स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ पहनते हैं। 2-3 मास्क लगा के उसके ऊपर बालों में लगा के वैसे करके पहनते हैं और फिर भी वो जॉब करते हैं। कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और कोरोना पेशेंट का एक खास बात है कि वो एसी में ट्रीट नहीं होते हैं, वो नॉर्मली वार्ड में रहते हैं, एसी वार्ड नहीं रहता है उनका। और ये एक पीपी किट पहन के आप विदाउट एसी और विदाउट फैन में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करेंगे। स्पेशली हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं उनको तो बहुत बड़ा सल्यूट है। बट इसमें उन्हें ये पीपी किट पहन के कितने देर तक काम करना पड़ता है और प्लस वो बाथरूम नहीं जा सकते, स्पेशली दोज वुमेंस हैविंग देयर पीरियड्स, और वो बाहर नहीं जा सकते, बार बार चेंज नहीं कर सकते, उनको बस एक खाना भी नहीं खा सकते उसमें, उनको पूरा अपने आप को पूरा चेंजअप करना है फिर उसको पहनना है। बट मैं तो जस्ट मैंने अपने जस्ट पार्लर वाली आंटी को देखा था, उन्होंने जस्ट ऐसी पीपी किट पहन के बाकी लोगों को पेडिक्योर और मैनिक्योर दे रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था उनका मजाक उड़ाना या कुछ करना। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सारे डॉक्टर्स को, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और बाकी जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पैंडमिक में भी। और ये तो एकदम सल्यूट की बात ही है कि वो इतने ज़्यादा अपने आप को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि मेरे मामा खुद एक डॉक्टर हैं, वो भी कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उन
उन्होंने मुझे बताया कि कितनी प्रॉब्लम होती है कि वो 5-6 घंटे बाथरूम नहीं जा सकते और खा नहीं सकते, फिर उनको पूरा ड्रेस चेंज करके फिर जाना पड़ रहा है खाने के लिए या कुछ करने के लिए, हम ऐसे नहीं जा सकते। बट ये तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पहना था तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्लीज़ इसे आप फन वे में ले, कोई मैं किसी का मजाक या कुछ नहीं मैं ना कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड जितना आप शेयर कर पाए शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू।